गुड मॉर्निंग फ्रॉम वृंदावन गाइस। तो आज हम वृंदावन पहुंच चुके हैं कल विद अनप्लान्ड ट्रिप। अब बस रेडी होके अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर निकलेंगे। और लुक एट देम क्या करते हैं। क्या हो रहा है इनकी फोटो शूट ही नहीं मिल रही। ऋषिक चलो अंदर अंदर जाओ। अब चले हम ब्रेकफास्ट करने। और इनका देखो इनकी तो व्लॉग वो फोटोज नहीं खत्म होती। और ऐसे बोलते मैं तो फोटोज क्लिक ही नहीं कराता है ना भैया। मिरर सेल्फी। चलो लेट्स गो फॉर द ब्रेकफास्ट। पेस्ट्रीज हलवा स्वीट कॉर्न पराठे कर्ड व्हाट इज दिस उत्तपम। नाइस। हम तो बैठ भी गए। क्या ले रहे आप सैंडविच खा रहे आप पापा पापा चलो। ये वड़ा सैंडविच उत्तपम पोहा सांबर और अभी और चीजें हैं। और भैया देखो अलग ही डाइट पे है तो ऐसे लिया आपने इससे ज्यादा तो छोटा बच्चा भी खा लेता है। प्रिंस भैया मिसिंग पर्सन मैंने इनको रिप्लेस कर दिया है। ये जो वहाँ पे मिसिंग ही रिप्लेस ये जो रेड रेड शर्ट में जो है ना ये लड़का ये मैंने रिप्लेस किया है इन्हें। नहीं तो हमेशा यही ट्रिप पे जाते हैं। अब वी आर चेकिंग आउट राइट नाउ। और कितनी हालत छोड़ी है ना रूम के की पूछो मैं। चलो चलते हैं बाय बाय। आप भी बोल सकते हो मेरे जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूं। इसी क्रेज का हालत ये हो चुकी है। इतनी स्वेटिंग ये मिनी फैन इसके लिए चला के रखना पड़ा बिट्टू। दिस इज द वे। तो अभी हम दर्शन करके बांकी जी के दर्शन करके हम गाड़ी में पहुंचे ताकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी जैसे ज्यादा ओवर गर्मी भी नहीं जैसी थी पर ह्यूमिडिटी जैसी है। और रश तो रश जहाँ पे होगा जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहाँ पे तो ज़्यादा गर्मी हो ही जाती है। बाकी दर्शन हमारे दोनों विदाउट वो वीआईपी दर्शन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े और अच्छे से हो गए। और अब थोड़ा सा निधिवन बंद हो गया था क्योंकि यहाँ पे 12:30 to 3:30 के अराउंड मोस्टली सारे मंदिर टेंपल्स वगैरह बंद होते थे। कोई फ़ायदा नहीं है इस मिड धूप में आने का। अब हम जाएंगे 3:30। अभी आज भी यहीं पर स्टे कर रहे हैं। 3:30 के अराउंड हम जाएंगे निधिवन और इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में। तो रात को ही हमें बोला है क्योंकि वहाँ पे कुछ नाइट शो वगैरह कुछ होता है तो फिर हम वहीं पे जाएंगे। और प्रेफरेंस की कभी फ़ोन वगैरह वहाँ मत निकालना। वहाँ खुद ही बोल देंगे वैसे क्योंकि फ़ोन वगैरह फ़ोन स्पेक्स गॉगल्स या कैप्स वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है और बंदर लेके चल जाते हैं। तो बेटर है कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं सैटरडे संडे को ट्रैवल ना करें और बाकी वीकडेज पे करें ताकि दर्शन अच्छे से हो जाए। बोलते हैं कि वीकडेज बहुत ज़्यादा रश होता है तो इट्स बेटर कि आप मतलब उसी टाइम पे। और ये भी थोड़ा सा इसके भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए क्योंकि बच्चे के साथ तो प्रेफरेंस मिल ही जाती है थोड़ी बहुत। बाकी लोग तो कई तो इतने गंदे होते हैं कि बच्चे के देख के भी जानबूझ के धक्का मारेंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग हैं अब क्या कर सकते हैं। तो स्टे सेफ और अच्छे से आना और प्लीज डू ट्रैवल वृंदावन में ही चेक इन कर लिया है बिकॉज थोड़ा सा रेस्ट करना है। और यहाँ देखो हालत अभी जस्ट कपड़े सेट करे थे ब्रेकफास्ट आ गया है
ब्रेकफास्ट नहीं सॉरी लंच आ गया। और ऋषिक नो नो गंदी बात, चलो परे मम्मा दे रहे हैं ना आपको, जाओ बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ। और यहाँ पर इसने इतना गंद फैलाया भैया की चल रही है मीटिंग। भैया ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं मंगवाते, फिर जो मंगवाते हैं उनकी भी बेइज्जती करते हैं। ये और ये बोलते स्प्रिंग रोल्स खाने आए हैं तो खाने दे, भी ब्लॉग नहीं चलेगा खाने पहले पता लगना चाहिए। ये है वो, यही है वो। ओके अब हम शाम के लिए निकल चुके हैं रेडियो के, भैया सीधे बैठ वो खड़े हो, मतलब आपका पेट दिख रहा है अंदर कर लिया ना शीशे में दिख रहा है भैया, अपनी गाड़ी ले जाना मतलब न्यूसेंस वाली बात है, क्योंकि अभी अलाउड भी नहीं है, बस आपको रिक्शा में ही जा सकते हो आप, फोर व्हीलर या टू व्हीलर है ना। तो यहाँ पे कार पार्किंग में लगा लो, या आप नियर बाय जहाँ होटल में रह रहे हो वहाँ रहो, और फिर यू कैन हायर दीज रिक्शाज, ई रिक्शाज और ऑटो वगैरह, और तब यू कैन रीच द डेस्टिनेशन। अभी जा रहे हैं वहाँ, नहीं नहीं है ऑलरेडी लगा। चलो भैया अकेले शॉपिंग करने के बाद मिनट की बारिश का तुम्हारा इतना ज्यादा जाम लग चुका है कि सी मतलब कोई ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है यहाँ वृंदावन। भगवान इतनी पर जस्ट 15 मिनट की बारिश में इतना ज़्यादा रोड खराब, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। और मेरे पैरों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना, इतना गंदा पानी हो चुका है कि पूछो मत।